हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को प्यार भरी राधे राधे। दिन के ये बज चुके हैं 3 और अभी मैं जाती हूँ बाहर। अपना जो भी मेरा काम था वो सारा पर्सनल वर्क करने के बाद में, कल मैंने आपको बताया था जो 2-3 बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू करना था वो कल नहीं हुए थे क्योंकि कोई भी शेल्टर रेडी नहीं था उनको लेने के लिए। तो कल मैं पूरा टाइम ऐसे सर्च करती रही कि कोई शेल्टर अगर मिल जाए तो मैं उनको बच्चों को शेल्टर में शिफ्ट करवा दूँगी, क्योंकि ऑन द स्पॉट उन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो अभी फाइनली एक शेल्टर रेडी हो गया है, तो अभी बस स्पेशली मैं उसी काम के लिए निकली हूँ। बारिश हो रही है, देखो बारिश हुई आज सुबह सुबह सुबह, मतलब सुबह को भी हुई थी और अभी आफ्टरनून में भी हुई है। तो बस फिंगर्स क्रॉस की वे रेस्क्यू हो जाए उसके बाद बारिश स्टार्ट हो, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है रेस्क्यू कराने के लिए। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ आज़ादपुर, वहाँ जाकर पहले लोकेशन पे चेक करूँगी इन दोनों बच्चों को वो हैं या नहीं है, उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, एम्बुलेंस आएगी फिर उनको रेस्क्यू कराएंगे, रेस्क्यू करा के देन उनको भेज देंगे। फिर उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर टाइम बचा तो फिर मैं कल जिस जगह पे मुझे जाना था, जो प्लेस मैं बता रही थी आपको, एक दो कैफ़े वगैरह, तो फिर मैं वहाँ आपको लेकर चलूँगी, क्योंकि मेरा बहुत ऐसे दिल है वहाँ जाने का। उनका एम्बियंस वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अगर हुआ तो फिर हम वहाँ चलेंगे। बाकी आज मैं ऐसे करके कुछ रेडी हुई, अगेन मैंने सेम बैग लिए है क्योंकि बैग चेंज करने का टाइम नहीं है। कल भी मैं आई गेस 6:30 समथिंग कुछ घर पहुँची थी, उसके बाद मैं बच्चों का खाना पीना किया, अपना काम किया, ब्लॉग आधा एडिट किया, अब पूरा एडिट हुआ नहीं है। आज सुबह से कुछ काम कर दिए बस ने, उसमें बिजी थी इसलिए ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ, बट ये वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको रेस्क्यू कराना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, वो कराने के बाद में फ्री हो जाऊँगी थोड़ा सा, देन मैं आगे की चीज़ें करूँगी। तो चलो अभी बाहर से ऑटो लेते हैं, ऑटो से जाऊँगी मैं क्योंकि स्कूटी से नहीं जा रही, बारिश हो रही है इस करके, तो ऑटो पिक करते हैं और निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। देखते हैं आज का डे कैसा रहता है, अभी दिन के 3 बज गए हैं, अब मैं निकली हूँ घर से फ्री होकर के, तो देखते हैं आज क्या क्या कर पाते हैं। करीब तो हमेशा पास था के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा। सो अभी मैं पहुँच गई हूँ चुटी विनगर और मैं जा रही हूँ स्टैंड पे, क्योंकि मैं जाऊँगी बस से। मुझे ऐसे में बड़ा मज़ा आ रहा है बस से, मतलब छोटे छोटे ट्रैवल कर लेती हूँ बस से। पहले मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरी बिल्कुल हैबिट ऐसे छूट गई थी, अभी मैं थोड़ा सा हैबिट में आ गई क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे ऐसे ना विदाउट स्कूटी जाते हुए बाहर। तो मैं थोड़ा बहुत अभी ट्रैवल कर लेती हूँ, लाइक 1 किलोमीटर समथिंग अगर बस से जाना हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो मैं चले जाती हूँ बस में, भीड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मेरे को पहले तो ऐसा सफोकेशन हो जाता था बस से कि मैं बिल्कुल जा ही नहीं पाती थी, बट राइट नाउ थोड़ा सा हैबिचुअल हो गया है। तो अभी मैं जाऊंगी बस से क्योंकि आज़ादपुर जी टी वी नगर से 2 स्टैंड के बाद ही है, वहाँ जाऊंगी। और इसके अलावा मैं भी आ रही थी, मुझे एक ब्लैक कलर का डॉग दिखा जिसके एक साइड, मतलब जिसका फेस का एक साइड पूरा मैगेट्स जो होते हैं उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे क्यों दिखती है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ, वो भी मैगेट वाले बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कराने के लिए जा रही हूँ। अभी वो एक और दिख गया तो देखने के बाद ना मुझे बिल्कुल भी ऐसे कंट्रोल नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कॉल करके किसी NGO में बात करके उनको भेज दूँ ताकि उनको ट्रीटमेंट मिल जाए और लाइफ ऑफ क्वालिटी उनकी थोड़ी सी ठीक हो जाए। मैगेट वोंड वाले जो बच्चे होते हैं ऑल दो वो सर्वाइव तो नहीं कर पाते हैं, बट उनको ये होता है कि दो जब तक वो ज़िंदा होते हैं तब तक उनको खाना पीना टाइम से मिल जाता है शेल्टर में, नहीं तो बाहर होते तो लोग उनको बहुत परेशान करते हैं, ना ही खाना देते हैं और उनको अपने घर के आगे से भगाते रहते हैं। तो अभी मैं इनको रेस्क्यू कराने के बाद मैं जाऊँगी एक बार घर की तरफ, उसका वीडियो वगैरह निकाल के फिर उसको कल तक उसको रेस्क्यू कराऊँगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या ही करें यार, इतने जानवर हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को, कितनों का करें, मुझे ये समझ नहीं आता। और इतना ये लगता है कि भगवान इतना कैपेबल बना देना कि मैं सबका ट्रीटमेंट करा पाऊँ और मैं सबको एक शेल्टर प्रोवाइड कर पाऊँ। तो कभी कभी बहुत ऐसे ना अजीब सा फील होता है कि क्यों मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, या क्यों मेरे पास इतना सारा पैसा है, इतना स्पेस नहीं है कि मैं किसी मतलब सबका ट्रीटमेंट करवा पाऊँ और सबको अच्छी लाइफ दे पाऊँ। तो आज ना मुझे ऐसा मतलब
कभी कभी ना मुझे बहुत ऐसा फील होता है, फिर मुझे लगता है कि मैं जितना करूँ लोग इतना भी नहीं करते, तो यही बहुत है। तो बस यही सोच के मैं वहाँ से आगे आ गई, अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल भी वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था। वो बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा। तो अभी मैं इनको रेस्क्यू कराने के बाद मैं जाऊँगी वहाँ और आपको मिलवाऊँगी उस बच्चे से। मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया, बट मैं जब जाऊँगी दोबारा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं यहाँ वेट करती हूँ बस का, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, ये लोग मुझे घूर भी रहे हैं, तो मैं इनका वेट करूँगी और फिर आगे जाके रेस्क्यू कराने के बाद ही मिलूँगी, क्योंकि बहुत ऐसे तामझाम हो जाता है रेस्क्यू कराने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ ढाई तीन बजे पहुँच गई थी और अभी तक हम इनके साथ में, ये छोटे छोटे वॉलंटियर हमारे साथ के साथ में हमने पूरा आजादपुर घूम गया है। ये वाला जो बस्ती वाला इलाका है हम पूरा ढूंढ लिया, लेकिन मैं वहीं पे भी वो मिला नहीं। सबने बोला है कि इस गली से गया, इस गली से गया, इस गली से गया, उस गली से गया, लेकिन अभी तक वो मुझे नहीं दिखा है। सबको दिख रहा है, सबने देखा उसको, यहाँ पे जितने लोग हैं इन तीनों ने भी देखा है, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। बाकी मैं अभी आपको गलियां दिखाती हूँ कि यहाँ की गलियां कैसी हैं और किन किन गलियों में घुस घुस के हम सर्च करके आए, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया था। बाकी अभी एक चक्कर लगाएंगे, गलियां दिखाएंगे हम अपने लोगों को, ठीक है। मैं आपको गलियां दिखाती हूँ कैसी कैसी गलियां, वो इतनी छोटी छोटी सी गलियां हैं और वो इधर से जाता है और हम इधर से जाता है, वो इधर से निकल जाता है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से जाके कहाँ से निकल रहा है वो। तो अभी तक नहीं मिला है, 4:30 हो चुके हैं। बाकी मैं नंबर दे दिया मैंने लोगों को, तो वो जब आएगा तो मुझे कॉल कर देंगे। उसके बाद मुझे कॉल आएगा तो मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूंगी, वो ले जाएंगे इसको वहाँ से। बाकी अभी जो सेकंड वाला है वो दूसरी साइड है, तो मैं जाकर उसको एक बार देख लूंगी। पहले मैं आपको गलियां दिखाती हूँ यहाँ पे कैसी गलियां, कितना मुश्किल हो रहा है उस बच्चों को यहाँ रेस्क्यू करना। और यहाँ पर बच्चों की बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं और जो रेस्क्यू करता हो या जिसको इन्फॉर्मेशन हो कि किस तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो प्लीज़ 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 आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन के अपोजिट साइड में लालबाग एक बस्ती टाइप के, वहाँ पर आकर के आप उनकी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हालत है यहाँ पे डॉग्स की। सभी को ऑलमोस्ट जिस गली में घुस जाओ वहाँ पे डॉग है और वहाँ पे उनको चोट लगी हुई है, किसी को मैग्नेट हुए हुए हैं, किसी को घाव हुआ हुआ है, किसी का कुछ हुआ हुआ है, किसी को कुछ हुआ हुआ है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर कोई है तो प्लीज़ रेस्क्यू करने के लिए आप आ सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको गलियाँ दिखाती हूँ, चल। तो ये देखो, ये है हमारे वॉलंटियर, छोटे वॉलंटियर हाय करो, हाय करो, ठीक है। ये गली है, इस गली से हम घुसे हो, इन्हीं गलियों में कहीं रहता है। देखो कितनी पतली गली है, अभी देखना ये मुझे पता नहीं कौन कौन सी गलियों से लेके जाएंगे, कहाँ से निकाल देंगे। मेरे को छोड़ के आ गया, मैं खो गई वहाँ पे, फिर मैं खड़े होकर बुला रही हूँ उनको। देखो कितनी पतली गली है, इवन ये देखो इतनी पतली गली है, ये इधर घर है और इधर घर है। इतनी पतली गली में हम उसको ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे देखो एक कुत्ता सो रहा है। ये देखो कितनी पतली पतली गली है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी गली से निकलना है, कौन सी गली से घुसना है। इधर ये मुझे अभी बता रहे हैं आधे घंटे से ढूंढ रहे, मेरे को एक भी गली याद नहीं हुई। देखो कितनी पतली पतली गली है, ये देखो ये एक ये डॉग यहाँ सो रहा है, ये सही है। काटेगा तो नहीं, सिर्फ एक ये डॉग ही मुझे मिला है कि जिसकी हालत ठीक है। ये देखो कितना गंदा है यहाँ पे, और लोग यहाँ पे इस तरीके से रहते, इतनी पतली पतली गलियाँ हैं। देखो ये एक डोर है और एक डोर ये है और सामने नाली है, कितना स्पेस है। देखो ये डोर है और एक ये डोर है, इतना इतना स्पेस में लोग इतने एडजस्ट करके रह रहे हैं। और बिल्ली गई बिल्ली, ये देखो कितना गंदा है यहाँ पे, सारी नालियाँ वगैरह है। तो यहाँ पे इंसानों की, जब इंसानों के लिए फैसिलिटी नहीं है तो जानवरों के लिए तो कई फैसिलिटी होगी। बहुत बुरी हालत है, मैं बहुत ऐसे ना अच्छा फील नहीं हो रहा यार, बहुत बुरी हालत है। ये देखो इन गलियों में हमें कैसे इसको सर्च करूँ, देखो ये समझ नहीं आ रहा। बाकी देखते हैं उसकी किस्मत है, मैंने पूरा हार्डवर्क कर लिया है, मैं आकर यहाँ सर्च किया है, मैंने पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये देखो कुछ भी नहीं है, ये नालियाँ हैं यहाँ पे, इसके ऊपर हमने कुछ जाली टाइप की कराई है बाहर। यहाँ मेन रोड पे लोग कह रहे थे यहाँ पे भी मिलता है, बट हम बहुत बार यहाँ चक्कर लगा चुके हैं, 2-2.5 घंटे हो गए हमें सर्च करते हुए। वो कहीं बैठा होगा, सब लोग कह रहे हैं वो कहीं बैठा होगा, क्योंकि
उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए वो बैठा होगा। तो एक को रेस्क्यू कराने का कोई मतलब है नहीं, उसको मैं आज मेडिसिन दे दूँगी, बाकी मैं कल आती हूँ उसको और उसको दोनों को एक साथ रेस्क्यू कराऊँगी, क्योंकि एम्बुलेंस का फिर डबल खर्चा नहीं होगा। आपको मैं गली दिखा दूँ, ये देखो गली है, ये गली है, ये गली है, अंदर लोग रहते हैं। चलिए वो देख रहे हो, ये वाला डॉग है जिसको रेस्क्यू करा है, मतलब ये यहाँ पे सो रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सारे के सारे इसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि अभी एम्बुलेंस आने में काफ़ी टाइम लगेगा। बुक तो कर दिया बट एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, तो हम इसका पीछा कर रहे हैं अभी कि ये कहीं दोबारा गायब नहीं हो जाए, तो इसको रेस्क्यू करवा के ही आज हम घर जाएंगे, है ना। तो फाइनली मिल गया, बस फिंगर्स क्रॉस कि इसका रेस्क्यू हो जाए, एम्बुलेंस में बैठ जाए, आगे का तो फिर शेल्टर में चला जाएगा, तो फिर वहाँ इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। हमारी रेस्क्यू टीम छोटे बच्चों की रेस्क्यू टीम, बड़े तो लोग समझते नहीं, लेकिन छोटे लोग बहुत हेल्प कर देते कभी कभी। अभी हम वेट कर रहे हैं और हम ऐसे खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं, देख लो। तो हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट क्या करें, मैनेज करना पड़ रहा है। लोगों लोकेशन हो गई चेंज, अभी आ गया यहाँ पे, अभी आ गया उजाले में। मेरे बच्चे कह रहे हैं, ये छोटे छोटे रेस्क्यूअर कह रहे हैं कि दीदी ये न्यूज़ में आएगा ये वाला जो हम इसको पकड़वा रहे हैं। मैं कहा हाँ, यूट्यूब पे आएगा, हम वायरल हो जाएंगे, क्या दीदी हम आपको वायरल करा देंगे। मैं कहा यही रह गया, तुम ही करा सकते हैं मेरे को वायरल, और तो किसी ने कराया नहीं। तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं ऐसे करके, और डॉग वहाँ बैठा है, हम इस पर नज़र रख रहे हैं। एम्बुलेंस को आने में अभी भी आधा घंटा लगेगा, क्योंकि एम्बुलेंस आ रही है दूर से। चलो हम मिलते हैं आपको, बाय बोलने। बहुत मुश्किल है, हम जहाँ भी जिसके घर के आगे सबके आगे से भगाए जा रहे हैं इसको, हम ना इतना घूम घूम के इसके पीछे पीछे परेशान हो गए, एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है, बहुत मुश्किल है। लोगों को ये समझ नहीं आता है कि वो इतना परेशान है, आप भगाओ मत उसको, दोनों रुक जाओ, भगाओ मत, किसको क्या ही बोलोगे। लोगों को इतना समझ नहीं आता है कि उसके अंदर भी तो फीलिंग है, उसको पेन है, तभी तो वो भाग रहा है इधर से उधर। ये देखो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, जिसके आगे बैठ रहा है वो लोग उसको भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। अभी मैं एक दो लोगों से आर्ग्यूमेंट भी हो गया, पर मैं किसको क्या ही बोल सकती हूँ। देखो 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 डंडा लेके भाग गया, बीमार है ना, उसको एम्बुलेंस बुलाइए, वो आ रही है, इसको अंदर ले लो। BUGA vlog। अभी टाइम हो गया है 7:15 और अभी भी एम्बुलेंस नहीं आई, अभी वो पता नहीं कहाँ खो गए हैं, क्योंकि ऐसी गलियों में काम को मैं लोकेशन बताऊँ, लोकेशन तो दे दिए बट वो लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, और मुझे रास्ता भी नहीं पता कि मैं कुछ बता दूँ ऐसे नॉर्मल तरीके से। तो देखते हैं, फाइनली अभी यहाँ बैठा हुआ है उतनी देर से, तो अब आ जाएगी, फिर इसको भेज के दूसरी वाली लोकेशन पर जाएंगे, अगर वहाँ पे मिल गया डॉक्टर तो भी भेज देंगे, नहीं तो फिर इसको किसी और भी भेज देंगे। तो बहुत लेट हो गया, मतलब एक रेस्क्यू कराने में इतना टाइम लग जाता है, और लोगों को लगता है इसके हमें पैसे मिल रहे हैं, भगवान ऐसे वैसे सबको दे। तो अभी हमने एक डॉग को रेस्क्यू करा दिया, अभी हम जा रहे हैं दूसरे लोकेशन पे, वहाँ देखते हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर मैं सीधा घर जाऊँगी। और फोन में बैटरी ख़त्म हो गई है, चार्जिंग नहीं है, तो अगर हुआ तो शूट करूँगी, नहीं हुआ तो फिर मैं कल मिलूँगी आपको डायरेक्ट। अभी फाइनली बच्चा रेस्क्यू हो गया, एक हो गया है, दूसरा बच्चा मैं लोकेशन पर गई थी वहाँ वो मिला नहीं है, तो यहाँ जो वॉलेंटियर हैं मैंने उनको बोल दिया है, एक दो को फोन करके कि आप देख लेना इवनिंग में या मॉर्निंग में आके, अगर बच्चा मिलता है
तो मुझे फ़ोन कर देना, फिर मैं शेल्टर में फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दूँगी, एम्बुलेंस बुला के उसको वहाँ भेज देंगे। और बस अभी मिला ही नहीं, मिल जाता तो फिर मेरे थोड़े से पैसे बच जाते, क्योंकि एक एम्बुलेंस बुलाने का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, और फिर अगर वो कल मिलता है फिर दोबारा कल एम्बुलेंस आएगी फिर उसका चार्ज लगेगा। तो ठीक है, अब जो है वो है, बाकी की बातें मैं घर जाके करूँगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के ऑफ़िस, क्योंकि मेरी दीदी का ऑफ़िस भी इसी वाले रोड पे है, 5 मिनट लगेंगे, तो फिर हम दोनों महीने फिर एक साथ घर जाएंगे, तो मैं आपको घर जाके मिलूंगी और सारी बातें फिर डिटेल में घर जाके करूँगी।